How are you? I hope you are good and well at your home in this quarantine. क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 मई तक का लॉकडाउन करार कर दिया है और अब उम्मीद है सभी को कि 3 मई के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा। लेकिन अब जब हमारे पास इतना वक्त है इस क्वारंटीन का, तो इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं अंग्रेजी सीख कर। और आपके पास हम हैं वी लर्न इंग्लिश इजीली, जो आपको सिखाएगी अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, वो भी बिल्कुल देसी और हटके सरल अंदाज में। तो कल के वीडियो में हमने जाना था कि आखिर कैसे हम अंग्रेजी में सॉरी बोलते हैं, लेकिन इस सॉरी को भी इंग्लिश में कई तरीकों से बोला जा सकता है। और कल के वीडियो में ये तो जान लिया कि सॉरी कैसे बोलते हैं, अब सॉरी का आंसर भी तो होता है जनाब। तो आज जानेंगे कि आखिर अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से अगर कोई हमें सॉरी बोले तो आखिर उसे फॉरगिव कैसे करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है द वेज ऑफ फॉरगिवनेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यू गाइस। सो द फर्स्ट वन इज नो वरीज, चिंता की कोई बात नहीं। और फिर उसी के साथ है फॉरगेट इट, इट्स नथिंग, भूल जाओ ये कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल के साथ समझे तो अगर किसी इंसान से कोई चीज गिरकर टूट गई है और वो चीज आपके लिए बहुत मायने रखती थी, लेकिन वो इंसान भी आपके लिए मायने रखता है, तो आप उसे कह सकते हैं नो वरीज, या फिर कह सकते हैं फॉरगेट इट, या फिर उसे कह सकते हैं फॉरगेट दिस, इट वॉज नथिंग। एंड द नेक्स्ट वन इज नेवर माइंड, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के साथ समझे, सपोज आपने किसी का बच्चा अपनी गोद में लिया है और बच्चे ने आपकी गोद में कर लिया है सुसु, अगर उसकी माँ आपसे माफी मांगेगी तो आप क्या कहेंगे? नेवर माइंड। एंड द नेक्स्ट वन इज यू शुड बी बट आई फॉरगिव यू, तुम्हें माफी मांगनी भी चाहिए लेकिन मैं तुम्हें माफ करती हूँ। हमने कल एक एग्जाम्पल देखा था जिसमें ये था कि एक हस्बैंड अपनी वाइफ को शॉपिंग पर नहीं ले जाता, वो हो जाती है गुस्सा, तो फिर हस्बैंड अपनी वाइफ को सॉरी बोलता है, तो वाइफ क्या कहेगी? यू शुड बी बट आई फॉरगिव यू, कर भी क्या सकती है बेचारी, आफ्टर ऑल हस्बैंड उठा रहे, आज नहीं तो कल तो लेकर ही जाएंगे शॉपिंग और मूवी के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा अगला है नो प्रॉब्लम, कोई समस्या नहीं है, और उसी के साथ है दैट्स क्वाइट ऑल राइट, ये ठीक है। तो अब अगर इसे एग्जाम्पल के तौर पर समझे तो सोचिए, आपने अपने दोस्त को टाइम दिया था मूवी के लिए लेकिन वो हो गया लेट, आप उससे गुस्सा थे, लेकिन आप ये भी जानते हैं कि उस बेचारे को कोई जरूरी काम था क्योंकि उसने बताया था, लेकिन टाइम पे पहुंच नहीं पाया। तो सिचुएशन में वो आपसे कहेगा सॉरी दोस्त आ नहीं पाया, तो आप उससे क्या कहेंगे? नो प्रॉब्लम, या फिर कह सकते हैं दैट्स क्वाइट ऑल राइट। सो नाउ आवर नेक्स्ट वन इज प्लीज डोंट मेंशन इट, यानी कि प्लीज इसका वर्णन मत करो, या फिर कह सकते हैं इट्स अनइम्पॉर्टेंट, ये इतना भी जरूरी नहीं है। अब इसे एग्जाम्पल के साथ समझे, सोचिए कि आपके ऑफिस में आपके कोई कलीग से हो जाती है एक गलती, छोटी सी गलती, लेकिन फिर भी वो बेचारा या बेचारी आपसे बार बार में कहता है कि मेरा कहने का मतलब वो नहीं था, या फिर करने का मतलब वो नहीं था, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो सिचुएशन में आप क्या कहेंगे उनसे? आप उन्हें सीधा कहेंगे प्लीज डोंट मेंशन इट, या फिर कहेंगे इट्स अनइम्पॉर्टेंट। एंड आवर नेक्स्ट वन इज प्लीज डोंट लेट इट हैपन अगेन, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। वापस से अपने ऑफिस या फिर स्कूल की बात ले लेते हैं, यानी कि आपका वर्किंग प्लेस, यहाँ पर आप एक टीम को लीड कर रहे हैं और आपकी टीम से हो जाती है एक गलती, लेकिन फिर भी टीम से काम तो करवाना ही है, उस सिचुएशन में आप उनसे क्या कहेंगे? काम हो तो गया है बट ख्याल रखो इस बात का कि ये दोबारा से रिपीट ना हो, तो सिचुएशन में हम कहेंगे प्लीज डोंट लेट इट हैपन अगेन। उम्मीद करती हूँ कि अब आप जान चुके हैं कि अगर आपसे कोई माफी मांगे तो उसे माफ कैसे करना है, लेकिन अंग्रेजी में अलग अलग सिचुएशंस और कंडीशन के हिसाब से। अब हम जान चुके हैं कि सॉरी कैसे कहते हैं और सॉरी का जवाब कैसे देते हैं, लेकिन अब आपको बता दें कि हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में, जहां पर हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर करते हुए नजर आएंगे, और इसी तरीके से हम इसको कंटिन्यू करते रहेंगे। आज के लेसन में बस इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए और भी कुछ मजेदार जानकारियां, इंग्लिश की और भी बेहतरीन चीजें आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और आपकी इंग्लिश में सुधार करना, आपको इंग्लिश सिखाना, ये करता रहेगा वी लर्न इंग्लिश इजीली। इसलिए चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि यहीं पर आप सीखते हैं अंग्रेजी भाषा बिल्कुल सरल, आसान और देसी अंदाज में।
इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही से शेयर भी कीजिए और अपने व्यूज हमें बताइए कि आप किस तरह के कंटेंट जानना चाहते हैं, आप इन वीडियोस के साथ सेटिस्फाइड फील करते हैं या नहीं। आपके जो भी विचार हो कमेंट सेशन में जरूर बताइएगा। आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम।